खबर उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी से। भाजपा को 2024 का डर सताने लगा है। घटना जिस प्रकार राहुल गांधी के पुतले पर भोड़ा प्रदर्शन करते हुए युवा भाजपाई नेताओं ने लखीमपुर में पुतला दहन किया, उससे साफ जाहिर है कि उन्हें कानून पर भरोसा नहीं, न ही संविधान पर भरोसा है। जिस बात को लेकर पुतला दहन किया वे सब जाँच का विषय है। सारी एजेंसी भाजपा के पास है, फिर डरने की क्या जरूरत है? जांच कराओ और जेल भेजें। ध्यान भटकाने के लिए निंदाई कार करना बंद करें, उन्हें विकास की बात सोचना चाहिए। जिला कांग्रेस कमेटी उनके प्रदर्शन की घोर निंदा करती है, जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। ये बात जिला कांग्रेस कमेटी लखीमपुर खीरी के जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल ने कही। मैं प्रहलाद पटेल, अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी लखीमपुर खीरी। आज एक वीडियो के मार्फत से हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी के युवा लड़कों ने माननीय राहुल गांधी जी पर भोड़ा प्रसार करते हुए उनका पुतला दहन किया। शायद उन्हें ये नहीं मालूम है कि हम राजनीतिक दल हैं, हम विपक्ष में हैं, उनको अपने गलेवाल में झांकना चाहिए। इन साहू जी के साथ माननीय राहुल गांधी जी का फोटो है और वो आरोप में हैं, तो इसकी जांच होना चाहिए। विशेष जांच का है, उन्हें जेल जाना चाहिए। सारी एजेंसी सत्ता पक्ष के पास में है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, जो भी है, ये जांच का विषय है, कानून का विषय है। भारत संविधान से चलेगा, सबके लिए कानून एक बराबर है। उनको अपने इतिहास को देखना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी पर भी व्यापक घोटाले का आरोप लगा। गुजरात के दंगों में माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर भी आरोप लगे। ये फोटो शेयर करने से फोटो वाला भी आरोपी होता तो उपरोक्त नेताओं को भी आरोपी माना गया होता और माना जाना चाहिए। आशाराम बापू जी के साथ माननीय मोदी जी का फोटो शेयर हुआ तो जो सजा आशाराम जी को है, क्या वो मोदी जी के लिए होना चाहिए? कदापि नहीं। एक हताशा दिखाई दे रहा है भाजपा में, 24 का डर दिखाई दे रहा है भाजपा को। राहुल के नाम से उनको फूबिया है, कहीं नेहरू के कारण देश ऐसा हुआ, कहीं गांधी के कारण देश ऐसा हुआ, कहीं राहुल के कारण ऐसा देश हुआ। उनकी आदत सी बन चुकी है, उनको हताश न हो करके विकास के रास्ते पर आना चाहिए। आपको जनता ने चुना है, आप जनता के काम करें। आप अभी राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं, वहां अब आपकी सरकार बनी है। उत्तर प्रदेश में भी आपकी सरकार चल रही है, आप ये काम करिए, 500 रुपए गैस सिलेंडर यहाँ भी लागू करिए, विकास की तरफ सोचिए। किसान मारामारी की कगार पर है, जानवरों से ग्रसित है, किसान को शेर खाए जा रहे हैं, गन्ने का मूल नहीं मिल रहा है, धान का मूल नहीं मिल रहा है, नौजवान युवा बेरोजगार घूम रहा है सड़क पर। आप हताशा के कारण विपक्ष का पुतला फूंकेंगे, कैसी है सत्ता ये? इसको संविधान पर विश्वास रखना चाहिए, कानून पर रखना चाहिए। अगर हमारा कोई नेता, किसी भी दल का कितना बड़ा नेता है, आप जांच कराइए, सीधा जेल भेजिए, मुझे कोई गुरोज नहीं, लेकिन ये भोड़ा प्रदर्शन बंद करिए, बंद करिए, बंद करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।